मैं एडवोकेट हारून रांझा, CTS लीगल टीम क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ आज चीचा वतनी की जो कोर्स है वहाँ पर मौजूद हूँ। और हमारे साथ ये बच्ची विक्टिम जो जवेरिया जो 40 शख्स है मौजूद है, जिसके साथ उसी गांव के रहायशी जो शबीर व मुख्तार ने जो है वो इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए इस बच्ची के साथ जो है वो ब्रूटली इसको रेप किया। आज हम कोर्ट में मौजूद हैं इसकी 164 की स्टेटमेंट करवाने के लिए। और आज हमने जज मुख्तार साहब जो है उनके अदालत में इसकी एप्लीकेशन जो है 164 के लिए वो सबमिट करवाई है, ताकि बच्ची जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कर सके और असल हकायक जो है वो वाजे आ सके और बच्ची को इंसाफ मिल सके। जिसमें जज साहब ने आइंदा पेशी जो पुलिस का जो रिकॉर्ड तलब किया है वो मंगल यानी 25 जो है वो 7/2023 मुकर्रर की है। तो इंशाल्लाह अगली तारीख पर जो है वो इस बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और CTS लीगल टीम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि मुल्ज़म को जो है वो कैफ़रे करदार तक पहुँचाए। और इस फैमिली के साथ शाना बशाना खड़े हैं, इनको लीगल एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं और हम इनकी मदद भी कर रहे हैं। शुक्रिया। साथ शाना बशाना खड़े हैं, इनको लीगल एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं और हम इनकी मदद भी कर रहे हैं।